90 डेज चैलेंज डे 68। हेलो बच्चों, मैं हूं प्रोफेसर काशिफ, वेलकम टू उस्ताद एकेडमी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हमारे 90 डेज चैलेंज का 68th डे है और हम अपने चैलेंज के एंड के काफी करीब आ चुके हैं और ये फरवरी महीना है, आपको पता है, और कितना वक्त बचा है इसका भी आपको अंदाजा होगा। पहले मार्च से आपका बोर्ड एग्जाम चालू हो जाएगा, कुछ लोगों का 1 मार्च को पेपर नहीं होगा तो 3 को होगा, लेकिन कुल मिलाकर के बात इतनी है कि बहुत कम दिन बाकी रह गए हैं और अभी भी अगर आप सीरियसली और सिंसियरली पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज प्लीज फोकस करना चालू कर दीजिए। इसमें आप ही की भलाई है, मेरी कोई भलाई नहीं है, लेकिन अगर आप सिंसियरली पढ़ाई करेंगे तो आपका बहुत फायदा होगा। अपने प्लान को टाइम के हिसाब से और सब्जेक्ट के हिसाब से बांटिए और उन सब्जेक्ट के हिसाब से आप पढ़ाई करना चालू करें। आज का हमारा टारगेट 68 डे का ये है कि अब हमें टॉपिक्स को रिवाइज करना है। जितनी भी चीजें आपने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है या जो टॉपिक्स आपके मिसिंग थे, आपने आइडेंटिफाई किए थे लेकिन आप याद नहीं कर पाए, उन्हें याद भी करना है, पुरानी चीजों को रिवाइज करना है, क्योंकि लास्ट के 10 डेज में जो बर्डन आपके सर पे आने वाला है उस बर्डन की वजह से जो नर्वसनेस होगा उसके इफेक्ट में आकर के आप बहुत सारी चीज भूलने वाले हैं। इसलिए आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप रिविजन कंटिन्यू करें। आज आप फर्स्ट लैंग्वेज ले लें और अपनी फर्स्ट लैंग्वेज को रिवाइज करें। आपकी फर्स्ट लैंग्वेज आपके मीडियम के अनुसार हो सकती है तो उस हिसाब से आप अपनी फर्स्ट लैंग्वेज लीजिए और उनके जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आपने डाउनलोड किए थे या उसके अलावा प्रैक्टिस पेपर्स आपके पास हैं उन सबको आप ओपन करिए, उनके सॉल्यूशंस ओपन करिए। आपने अपनी बुक्स में या सप्लीमेंट्स में जहां जहां पर भी पेपर सॉल्व किए हैं पिछले कुछ दिनों में वो सारे पेपर्स को निकालिए और उन्हें रिवाइज करिए। हर वो चीज जिसका आपको कॉन्फिडेंस है कि आपको आती है उसको भी रिवाइज करना है आपको, क्योंकि कल को एक सिली मिस्टेक आपके पूरे आंसर को गलत कर सकती है और आप लिख करके तो आएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि आपने आंसर एकदम करेक्ट लिखा है लेकिन एक सिली मिस्टेक की वजह से वो आंसर पूरा रॉन्ग भी हो सकता है। इसलिए आप परफेक्ट रिवाइज करते रहें और आपको तो पता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट और वुमन को भी बनाता है परफेक्ट। अगर आप चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें ताकि इसका फायदा दूसरों को भी मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में।